बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, सब सब्सक्राइबर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्ट स्टोरी बॉटनी बॉटनी। दिस शॉर्ट स्टोरी इज रिटन बाय रिचर्ड मैथिसन। ही वाज बॉर्न इन 1926 एंड डाइड 2013। यहाँ पर मैंने उसके चंद ड्रामास और शॉर्ट स्टोरीज के नेम मेंशन कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग लगे तो, इसलिए मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। ये शॉर्ट स्टोरी जदीद तर्ज जिंदगी पर एक तंज है। दिस शॉर्ट स्टोरी टेल्स अस हाउ टू अ मैन वांट टू फीदर हिज नेस्ट बाय हुक और क्रूक। किस तरह एक इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी लालच को पूरा करने के लिए एक मर्डर बन जाता है, किलर बन जाता है, एक कातिल बन जाता है। तो इसके हम करैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मा, नॉर्मा मिस्टर आर्थर की वाइफ है और डेफिनेटली ये उसका हस्बैंड है। मिस्टर सकीबा एक पुरस्कार करैक्टर है जिसके बारे में इनको पूरी स्टोरी में पहले कोई पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहा है, क्या खेल हमारे साथ खेल रहा है। नॉर्मा को इंतहाई लालची दिखाया गया है, वो अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि आर्थर को एक रहम दिल इंसान दिखाया गया है, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बटन दबाने से इनकार कर देता है, किसी को कत्ल करना गुनाह समझता है, एक मासूम शख्स दिखाया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दी पैकेज एट द डोर, पार्सल एट द डोर। एक्चुअली नॉर्मा और आर्थर एक ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन जब नॉर्मा अपने ऑफिस से वापस आती है तो बैरूनी दरवाजे के बाहर, जो उनका मजबूरी सदर दरवाज़ा था, वहाँ पर उसको एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल को उठाकर घर में ले आती है, अपार्टमेंट में अंदर ले आती है, उसको बैठ के देखती है, उसको उल्टती पड़ती है तो उसकी एक जानब इनका एड्रेस लिखा होता है, मिस्टर आर्थर का और नॉर्मा का, और उसका जो तय है उसके तले में, उसकी निचली जानेब एक तय की हुई कागज की चिट टेप के साथ चिस्पा की गई होती है। तो वो उसको उतारती है, जैसे उसको उतारती है तो उस पर लिखा होता है कि मिस्टर सटीवा विल कॉल ऑन एट 8 PM पोस्ट मेरिडियम, यानी कि रात को 8 बजे मिस्टर सटीवा आपको मिलने आएगा। तो उसके बाद वो अपने काम धंधे में लग जाती है, वो किचन में चली जाती है, सैलड बनाने लगती है, सलाद बनाने के लिए वहाँ पर बैठ जाती है, और जो मिस्टर आर्थर है वो लिविंग रूम में बुक स्टडी कर रहा है, मुतालिया कर रहा है। जैसे 8 बजते हैं, डोर बेल बजती है, नॉर्मा देखने के लिए जाती है। जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर एक पस्त कद आदमी, छोटे कद का आदमी खड़ा होता है, उसने एक कैप पहनी होती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो कैट उतारता है और उससे क्वेश्चन करता है कि आप मिसेज आर्थर लिवेस हैं, यानी कि तो जी वो कहती है जी मैं मिसेज आर्थर लिवेस हूँ, नॉर्मा हूँ, आपको क्या काम है। तो उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, उनकी वहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। वो उसको उस पार्सल के बारे में बताता है, उस पैकेज के बारे में बताता है जो वहाँ पर वो छोड़ कर गया था। तो वहाँ पर उनकी काफ़ी कन्वर्सेशन होती है, तो इस दौरान उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। जब आवाज़ ऊंची होती है तो उस दौरान आर्थर जो लिविंग रूम में स्टडी कर रहा था तो वो उनकी बातें सुनता है, वो भी वहाँ पर ऑन द स्पॉट मौके पर आ जाता है। तो मिस्टर सटीवा उसको अपना तारुफ करवाता है और दो चंद बातों के तकरार के बाद उसको घर ले जाता है, अपार्टमेंट में अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर चेयर पे बैठ जाते हैं। मिस्टर सटीवा विजिट, ये उसका पहला विजिट है जब वो आया हुआ है। तीसरा पॉइंट, एन ऑफर $1,000, ऑफर ऑफ $50,000, $50,000 की ऑफर। वो वहाँ पर उनको बताता है कि ये जो पैकेज है, ये जो पार्सल है, जैसे बेकार में मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा। तो वो अपनी जेब से एक चाबी निकालता, कहता है ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक बटन लगा हुआ है और बटन के ऊपर एक कवर है, उसको बंद किया गया है और उस कवर को हटाने के लिए इस चाबी की ज़रूरत है। आप इस चाबी के साथ उस बटन को ओपन करके कवर को हटा के बटन दबाएंगे तो आपको $50,000 दिए जाएंगे।
इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाते हो तो समवन विल डाई इन द वर्ल्ड, कोई भी शख्स मर जाएगा, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, और जिसको आप जानते भी नहीं होंगे। तो इन रिटर्न, इन रिवार्ड, बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको 50,000 डॉलर मिलेंगे। ये बात उनको एक मयूब सी लगती है, अजीब सी लगती है, मजहका खेज लगती है कि किस तरह एक बटन दबाने से एक आदमी मर सकता है और बदले में हमें 50,000 क्यों मिलेंगे, और अगर ये सब कुछ पॉसिबल भी हो तो हम एक मर्डर क्यों करें, एक कत्ल क्यों करें, हम कातिल क्यों बने। तो आर्थर को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आर्थर रिजेक्ट्स ऑफर, वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि अपना सामान लेके यहाँ सर चले जाओ। सटीवर ट्राई टू कन्विंस, जब उनकी बातें वो सुनता है, सटीवर हर हाल में उनको बटन दबाने पर कैल करना चाहता है, कन्विंस करना चाहता है, तो वो उनको उसके फायदे बताता है, उनको कहता है कि ये बड़ी वैल्यूएबल पैकेज है आपके लिए, एक वैल्यूएबल अच्छी कीमत वाली ग्राम कीमत आपके लिए ये ऑफर है, आप इसको रिजेक्ट ना करें और इसको रख लें और बटन दबाएं, आप 50,000 डॉलर रिसीव करें। तो वो उनकी बातों में नहीं आते, तो आर्थर रिजेक्ट कर देता है उनके ऑफर को। तो उसके बाद वो उसका जो सामान है वो उठा के उसको दे देता है, वो की है और वो जो बटन यूनिट है उसके हाथ में ज़बरदस्ती दबा देता है और वो चले जाते हैं। और वह जाते जाते ना एक कार्ड छोड़ कर जाता है, उसने नारमा की आंखों में थोड़ा सा लालच देख लिया था कि शायद ये बाद में रब्ता करेगी, तो वो एक कार्ड छोड़ जाता है, तो वो कार्ड आर्थर उसको फाड़ कर वहीं एक मेज पर छोड़ देता है, फेंक देता है, उछाल देता है। तो नारमा उस कार्ड को उठाकर ना अपने बैग में रख लेती है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस में जाती है तो सारा दिन सोच विचार के बाद उन कार्ड के टुकड़ों को आपस में जोड़ती है और कॉल कर देती है, नारमा कॉल मिस्टर सटीवर्ड। वो उसको दोबारा कॉल करती है, उसके बारे में पूछती है कि जो आपने ऑफर किया है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक बात है, कि अगर मैं बटन दबाऊँ तो जो शख्स मरेगा उसको मैं नहीं जानती होंगी, तो और क्या 50,000 डॉलर भी मुझे मिलेंगे। तो सटीवर्ड उसको यकीन दिलाता है कि जो ऑफर है बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो उसके बाद जब वो वापस घर में आती है, नारमा फाइंड पार्सल अगेन, पैकेज अगेन। तो क्योंकि सटीवर्ड ने जान लिया था कि ये जो औरत है ये इंतहाई लालची है और ये बटन दबाएगी, तो इसलिए उसने उसके दोबारा घर आने से पहले ही पार्सल को, उस पैकेज को, उस पलंदे को उनके घर के बाहर दोबारा छोड़ दिया था। जैसे वो घर आती है वहीं पे वो डब्बा दोबारा पड़ा होता है, उसको उठा देती है और किचन में जाकर छुपा देती है एक नीचे वाली अलमारी में। वो अपने काम वगैरह ख़त्म करके दूसरे दिन, अगले दिन वो उसको खोलने के लिए बैठ जाती है, उसको खोलती है और उसकी चाबी भी उसके पास होती है, तो वो बटन दबाते हुए हिचकिचाती है, हेजिटेशन फील करती है, काफ़ी सोच विचार के बाद वो उसको खोल लेती है। नारमा परस्यूडेड आर्थर, एक बात हम दरमियान में भूल गए हैं कि जब वो दोबारा उसने उस पैकेज को, पलंदे को, पार्सल को हासिल कर लिया था, तो अपने हस्बैंड को कैल करने की कोशिश करती है, उसको काफ़ी कैल करने की कसर करती है कि हम बटन दबा दें, हम इससे अच्छा अपार्टमेंट ले सकते हैं, हम इससे नैसर फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, हम कार ले सकते हैं, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हम सैर कर सकेंगे, दुनिया को देख सकेंगे। लेकिन आर्थर उसकी बातों में नहीं आता है और उसकी सारी बातों को रिजेक्ट कर देता है, उसको कैल नहीं कर सकते। आर्थर डिसएग्री, आर्थर उसकी बातों से, इन सारी बातों से डिसएग्री करता है, रजामंद नहीं होता। अच्छा, प्रेसिंग दी बटन, बहरहाल दूसरे दिन वो काफ़ी सोच विचार के बाद, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा लालच था, वो बटन को दबा देती है। बटन दबाने के बाद क्या होता है, कॉल फ्रॉम लिनाक्सिल हॉस्पिटल, लिनाक्सिल नामी एक हस्पताल है, वहाँ से उसको कॉल रिसीव होती है कि हुजूम की दकम पेल ने आर्थर को रेलवे के चबूतरे से रेल के आगे धकेल दिया है और उसको काफ़ी चोटें आई हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद दोबारा उसको कॉल आती है कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये बातें सुन के वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो उसके बाद वो उस डब्बे को, उस गैजेट को, उस डिवाइस को खोलने की कोशिश करती है, उसको ज़ोर ज़ोर से बेसन के किनारे पर मारती है, उसको तोड़ डालती है,
देखती है कि उसमें चंद एक वायर हैं और कोई खास चीज़ कोई उसमें मशीनरी नहीं है। तो उसके बाद वो वापस मिस्टर स्टीवर्ड को कॉल करती है कि आपने तो कहा था जो मरने वाला होगा मैं उसको जानती नहीं होगी, लेकिन ये तो मेरा अपना हस्बैंड मिल गया। तो वह एक अजीब सा जुमला बोलता है, कहता है क्या वाकई आप अपने हस्बैंड को जानती थी। इससे वो ये बताना चाहता है कि आपका अपने हस्बैंड से एक फिजिकली टच ज़रूर था, मेंटली टच नहीं था, आप उसको अच्छी तरह नहीं जानती थी। अगर आप उसको मेंटली तौर पर जानती होती, आप अपने हस्बैंड को जानती होती तो उसकी बात को मान लेती और बटन ना दबाती। तो बाद में उनको पता चलता है असल में ये जो उनको पैसे मिलते हैं ये आर्थर की बीमा पॉलिसी थी। तो बीमा पॉलिसी में अगर किसी की मौत वाकई हो जाती जिसकी बीमा पॉलिसी थी तो उसको ये पैसे मिलने थे, तो इसलिए $25,000 की बीमा पॉलिसी थी, उनके मरने की सूरत में वो डबल हो जाने थे। तो उसको पता चला ये तो वो बीमे वाले पैसे हैं। तो बहरहाल इस एक्ट से, इस हरकत से नॉर्मा को पूरी ज़िंदगी का पछतावा मिला। तो इस शॉर्ट स्टोरी से हमें यह लेसन मिलता है, अगर आप किसी और के लिए गड़ा खोदेंगे तो आप उसमें ज़रूर गिरेंगे। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एक टाइम्स नामी कंपनी है, उसने लोगों का जीना हराम किया हुआ है, बहुत सारे नौजवानों को बरगला लेते हैं वो, और वो पहले किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब वो खुद लुट जाते हैं उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो फिर जाकर उनको पता चलता है कि ये हमारे साथ खेल खेल रहे थे। अस्सलामुअलैकुम।